लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप लोगों ने ऐसी मखलूक नहीं देखी, लेकिन लोग देखेंगे कि करीब है कयामत, औरतें सवारियां चला रही होगी। सरकार फरमाते औरतें सवारियां चला रही होगी। सहाबा को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, हालांकि उस वक्त की सवारी घोड़ा ऊंट और खच्चर थे, उसकी हुजूर ऐसा भी होगा? आका फरमाते हाँ, जब औरतों को सवारियां चलाते देखना, समझ जाना कियामत तुम्हारे सरों पर आ गई। आज एक बाप अपनी बेटी को फख्र से बाइक दिला करके कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी बाइक चलाती है। ओ बाप, तुझे शर्म आना चाहिए बेगैरते, तूने अपनी बेटी को अकेले घर से बाहर बाइक पे कैसे कर दिया। जो मजहब इस्लामी बेटी को अकेले काबतुल्ला जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी बेटी को अकेले बाइक चलाने की इजाजत कैसे दे सकता है। हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। आप कहेंगे कि आप ये पुरानी बातें करने लगे, वल्लाह जो इसको पुरानी बातें कहे वो दकियानूसी ज़हन रखने वाले लोग हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है, अगर किसी को तरक्की करना है तो वो आगे चला जाए, मिले ना मिले हमें कोई गारंटी नहीं, लेकिन मुसलमान को तरक्की करना है तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पीछे चला आए। इंशाल्लाह कल भी तरक्की मिली थी, आज भी और कयामत तक इसी में तरक्की मिलती रहेगी। बेटियां बाइक चलाती, अंजाम क्या है? बड़ी माजरत के साथ, आज आप ही को मोहब्बत सूझी बेटी की। उस दौर में लोगों को बेटी का प्यार नहीं था, आज आप बेटी को बाइक दे रहे हैं, आज आप बेटी को मोबाइल दे रहे हैं। कमेंट शेयर जरूर करिए।